दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली एनसीआर में हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कोसीकला निवासी शाहनवाज लाला, साथी मेवात के नुहू गांव के निवासी इलियास और साथी हरियाणा के दादरी निवासी रोहित के रूप में हुई है। रोहित कासनिया गिरोह के लिए काम करता है। रोहित रिसीवर है, जबकि अन्य दोनों ही लोग सप्लायर इस गिरोह के बताए जा रहे हैं। बता दें कि सेल के डीसीपी संजीव यादव की टीम को आरोपियों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से दबिश दी गई। इसके बाद 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही टीम ने जाल बिछाकर इन सभी आरोपियों को दबोचा। आरोपी शाहनवाज के जो है पिता को भी बताया जा रहा है कि वो इस काम में शामिल हैं। वहीं पुलिस पहले भी उसे गिरफ्तार कर चुकी है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता मुकेश राणा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, 3 लोगों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है, कैसे इनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी और किस तरह से पुलिस को इनके बारे में सूचना मिली थी? मुकेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है जो कि दिल्ली हाई अलर्ट पर है राजधानी, तो जिसको लेकर स्पेशल सेल ने ड्राइव चला रखी थी। और इसी दौरान जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संजीव यादव की टीम को सूचना मिली कि मजरी गांव के पास जो है हथियारों की बड़ी डिलीवरी करने के लिए जो है कोई गैंग जो है यहां पर आएगा, जिसको लेकर संजीव यादव ने निर्देश दिए कि उन्हें एक टीम बनाई और उसके बाद वह जाल बिछाकर मजरी गांव के पास से जो है शहनवाज को पकड़ लिया गया। और शहनवाज आपको बता दूं कि पहले भी धंधे में लिप्त है और अपने पिता के साथ वो इस धंधे में शामिल हुआ था, पहले भी पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। और इलियास नाम का एक आरोपी है जो कि नू मेवात का रहने वाला है, वो भी इसका साथी है। और जो रोहित है वो रिसीवर है जो कि हथियारों की खेप जो है वो लेकर जो है दिल्ली आसपास जो है उनको देता था, गैंग के लिए कासानिया गैंग के लिए काम करता था रोहित जो है। और स्पेशल सेल ने आर्म एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज किया है इनके खिलाफ। जी जी मुकेश, इनसे पूछताछ जब की गई है तो कितने और लोग इस गिरोह में शामिल होने की बात की जा रही है, और साथ ही जब गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं तो उस बीच किस तरह से सप्लाई ये इन हथियारों की कर रहे थे? मुकेश, देखिए शानी आपको बताना चाहूंगा, ये जो शहनवाज है ये अपने पिता के साथ इस धंधे में लिप्त हुआ था और तकरीबन 1.5 साल पहले इसे पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। और ये रैकेट जो है अब पहले दिल्ली एनसीआर आसपास जो है यूपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश में हथियारों की सप्लाई करता था और अब ये जो है दिल्ली में ही हथियारों की डिलीवरी कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस को जो है सूचना मिली और पुलिस ने इनके कब्जे से 15 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 64 लाइव कार्टेज और एक बाइक और 10,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। और पुलिस ने आर्मेट के तहत मामला दर्ज किया है और अब इनसे पूछताछ जारी है कि और जो है हथियारों की डिलीवरी के बारे में कुछ और जानकारी मिल सके तो पुलिस लगातार से पूछताछ कर रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो गणतंत्र दिवस को लेकर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसी बीच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हथियारों का जो है तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।